हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लोज टू हिमालयाज। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रतिस्लावा का द फेमस ओल्ड टाउन, जिसको कि हिस्टोरिकल सेंटर भी कहा जाता है। ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये है सेंट माइकल गेट और इसे सेंट माइकल टावर भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेट है इस सिटी का फ्रॉम द मेडिवल टाइम्स। मेडिवल टाइम्स में इस टाउन में, ब्रतिस्लावा में, एंट्री एंड एग्जिट के लिए सिर्फ चार ही गेट्स हुआ करते थे, जिनमें से एक है माइकल गेट, जो आज भी प्रिजर्व्ड है, और बाकी सारी गेट्स अब आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। इस गेट को आज की डेट में म्यूजियम ऑफ वेपन्स की तरह यूज करा जाता है। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप इस टावर में एंट्री कर सकते हैं। ये जो सेंट माइकल गेट है, ये उस टाइम पे, ओल्ड टाइम पे बिजनेस के लिए बहुत यूज हुआ करता था। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सी कंट्रीज की, मेजर सिटीज की डायरेक्शन आपको यहाँ से दिख जाएंगी। जैसे मैं नॉर्थ पोल देख सकती हूँ, टोक्यो देख सकती हूँ, बीजिंग देख सकती हूँ, सिडनी यहाँ पर है, बुदापेस्ट है, एंड इस्तांबुल है। और ये है ओल्ड टाउन की ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट, जो कि आपको पूरे ओल्ड टाउन में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ हम माइकल गेट से एंटर कर रहे हैं ओल्ड टाउन में। आप यूरोप की कोई भी मेजर सिटीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ओल्ड टाउन ज़रूर मिलेगा। वहाँ की स्ट्रीट्स आपको हमेशा ऐसी दिखेंगी, वहाँ पे हमेशा रेस्टोरेंट्स, पब सब फुल रहते हैं। आप अगर फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ पर आएंगे तो आपको हमेशा हर रेस्टोरेंट्स फुल रहते हैं। आजकल कोविड के चक्कर से यहाँ पे इनर सिटिंग बंद है और बाहर कोई बैठता नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है, इसलिए यहाँ पे कम क्राउड है, बट यहाँ पे हमेशा, यूजुअली वीकेंड्स में हमेशा रश रहता है। और ये जो ओल्ड टाउन है, ये मोस्ट ऑफ़ द हैपनिंग प्लेसेस होती हैं यूरोप की, किसी भी सिटीज़ में। आप कभी भी किसी भी यूरोप की किसी भी सिटीज़ में जाएंगे, आपको वहाँ ओल्ड टाउन ज़रूर मिलेगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस होती है।
और ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट हैंगआउट प्लेस फ्रॉम ओल्ड टाउन, द डबलाइनर आयरिश पब। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ आउटिंग करने के लिए। आप लोग मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज में यहाँ की कई सारी स्टोरीज देख सकते हैं। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये है नेपोलियन सोल का स्टैचू। ऐसा कहा जाता है कि 1805 में जब नेपोलियन सोल्जर्स यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके साथ नेपोलियन भी यहाँ आया हुआ था, और उसी की मेमोरी में ये स्टैचू यहाँ पर ओल्ड टाउन में है। लेकिन इस बात की कोई फैक्ट्स, कोई प्रूफ नहीं है, बस कहानी है और ये सुनी गई कहानी है। अभी जो आप मेरे पीछे स्टैचू देख रहे हैं वो एक रियल एग्जिस्टिंग पर्सन का स्टैचू है, जिनका नाम है इग्नैक लैमर। आप स्क्रीन में अभी उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये अक्सर ओल्ड टाउन में लोगों को फ्लावर देखकर खुशियां बांटते हुए देखा करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ही वॉज अ ट्रू जेंटलमैन एंड द मोस्ट एलिगेंट मैन ऑफ दैट टाइम इन ब्रातिस्लावा। ये जो स्टैचू है, दिस इज़ द ओनली स्टैचू इन ब्रातिस्लावा जो कि आपको सिल्वर में मिलेगा। बाकी सारे स्टैचूज आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर में मिलेंगे। ये ब्रातिस्लावा का सबसे फेमस स्टैचू है और सबसे ज़्यादा फोटो लेने वाला स्टैचू है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके सर पे हाथ रख के आप कोई विश मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आई लव पिज़्ज़ा। ये मेरी सबसे फेवरेट शॉप है ओल्ड टाउन में पिज़्ज़ा की। यहाँ की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि यहाँ पे आपको पर स्लाइसेस के बेसिस में पिज़्ज़ा मिल सकता है, और अगर आप कभी ग्रुप में जाते हैं 4-5 के तो आप सब अपनी अपनी चॉइसेस के पिज़्ज़ा ले सकते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब कुछ। तो और यहाँ के जो साइज़ हैं वो भी बड़े होते हैं कंपेरेटिव टू जो साइज़ हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं उससे। और यहाँ पर स्लाइस 2 यूरोस का आता है जो कि सफिशेंट है खाने के लिए। तो चलते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं। अभी मेरे पीछे जो आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये है मिस्टर हेविजडोस्लेव का स्टैचू। आई होप मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया होगा, बिकॉज स्लोवाक नाम बहुत टफ है। तो ये जो हैं, ये यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट थे। एज यू कैन सी, ये अशोक चक्र है जो कि डेफिनेटली इंडिया से रिलेट करता है। तो इसी के साथ मैं अपना ओल्ड टाउन का वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। चाओ।